तो देखा आपने, अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से टीकाकरण को लेकर भी राजनीति अलग अलग राज्यों में जारी है। आगे बढ़ते हुए फिलहाल हम बात करेंगे न्यू इंडिया की, जिसकी तस्वीरें पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। आज पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पूरे देश से कनेक्ट करने के लिए 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जो आधुनिक तकनीकी से लैस है। सौ सहमत तमारी वात मारे पछी वट पड़े छे गुजरात मारे। ये पटरियों पर दौड़ता न्यू इंडिया है। भारतीय संस्कृति, कला और टेक्नोलॉजी का संगम जो विस्टाडोम में सिमटा हुआ है। इस ट्रेन की मंजिल भारतीय एकता और अखंडता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और अहमदाबाद से केवड़िया के लिए ये ट्रेन दौड़ने लगी। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब हरी झंडी दिखाई गई तो देखे ट्रेन यहाँ पे प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे हैं और हम इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी यहाँ पे मौजूद थे रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन की शुरुआत जो है वो अब हो चुकी है। यहाँ पे सारी तस्वीरें भी लोग ले रहे हैं, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं वो अपने मोबाइल में हर एक तस्वीर को कैद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रताप नगर से जोड़ दिया। अब सैलानी सीधे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दीदार के लिए जा सकेंगे। आप ट्रेन में सफर कर रही है, क्या कहेंगी? मैं यही बोलूंगी, न भूतो न भविष्यति। आज के पहले कभी न सोचा था न देखा था और आज के बाद शायद कभी होगा नहीं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना वो मोदी सरकार का दाएं हाथ का काम है। इस अद्भुत ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए सैकड़ों लोग सफर के लिए पहुंचे, जिसमें सेलिब्रिटी से लेकर आम जन थे। गुजराती लोक गायिका गीता रबारी ने अपने गानों से सफर को और सुहाना बना दिया। ट्रेन गाड़ी आवी इतु केवड़िया जवानी गुजराती लोको आ सफर नी मजा छे। ट्रेन गाड़ी आवी आ तो केवड़िया जवानी गुजराती लोको अवे सफर नी मजा छे। अहमदाबाद से केवड़िया के लिए जो ट्रेनें चलेंगी उसमें विस्टाडोम वाले कोच लगे हैं, जिसमें यात्रा का एक अलग ही आनंद मिलेगा। विस्टाडोम कोच में सारी लग्जरी सुविधाएं हैं। यहाँ पे आपको ये नजारा दिखा रहे हैं, इसे विस्टाडोम कोच क्यों कहा जाता है ये देखिए। इसकी जो चेयर्स है ये पूरी 180 डिग्री तक घूमती है और यहाँ पे बैठकर आप यहाँ पे जो बाहर का नजारा है उसे भी देख सकते हैं। नए डिजाइन के विस्टाडोम टूरिस्ट कोच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में सक्षम है। स्पीड के मामले में ये वंदे भारत एक्सप्रेस के बराबर है। पीएम मोदी ने भी नैरो गेज रेलवे की सुस्त रफ्तार को लेकर अपने पुराने दिन याद किए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बड़ौदा और रभोई के बीच में नैरो गेज रेलवे चलती थी। मुझे अक्सर उसमें यात्रा करने का अवसर रहता था। उस समय इस नैरो गेज ट्रेन से हम चलते थे और ये नैरो गेज ट्रेन का मजा ये था कि आप उसकी स्पीड इतनी धीमी होती थी, कहीं पर भी उतर जाइए, कहीं पर भी उसमें चढ़ जाइए, बड़े आराम से। इवन कुछ पल तो आप साथ साथ चले तो ऐसा लगता है कि आपकी स्पीड ज्यादा है। तो मैं भी कभी इसका मजा लूटता था। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू और देश की एकता अखंडता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने जाने वाले लोगों के लिए ये ट्रेन एक बड़ी सौगात है और उम्मीद की जा रही है कि इस ट्रेन की वजह से अब रोजाना करीब 1 लाख लोग केवड़िया पहुंचेंगे। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।